पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिल्ली हिंसा को लेकर कई ट्वीट किए। उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। इमरान खान ने दिल्ली हिंसा पर भारत सरकार को घेरने के बाद अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी बात की। इमरान ने कहा कि भारत में आज हम देख रहे हैं कि अरबों की आबादी वाले परमाणु संपन्न देश पर आज नाजीवाद से प्रेरित आरएसएस विचारधारा का नियंत्रण हो गया है। इमरान ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अपने संबोधन में भी मैंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि जिन अब बोतल से बाहर आ गया है। कश्मीर तो एक शुरुआत है। इसके बाद इमरान ने अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कहा कि मैं अपने नागरिकों को ये चेतावनी देता हूं कि पाकिस्तान में अगर किसी ने गैर मुस्लिमों या उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हमारे अल्पसंख्यक इस देश में समान रूप से नागरिक हैं। जाहिर है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ भारत के प्रति कहते रहते हैं। ये हालात तो तब है जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल बहुत बुरा है और अक्सर उनके खिलाफ वारदात होती रहती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।